हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड शेयर के बारे में। दोस्तों, देख सकते हो इसका जो बेस प्राइस और जो मेजर सपोर्ट है वो 110 पे है, 112 110 पे। इस जोन में इसका मेजर सपोर्ट है, तो इसमें एक बाइंग प्राइस बन रहा है। इसके नीचे जाएगा तो 97 के आसपास जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इससे नीचे जाएगा। यहाँ से बूम मारेगा और अभी देख सकते हो कि इंडियन जो शेयर है 2.73% आपका रेज हुआ है, जो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में आपका देखने को मिला था। अभी ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया था पिछले आपका 4 महीने से, तो ये एक बेस्ट जोन है दोस्तों बाइंग का। डब्ल्यू पैटर्न बना के ये कभी भी मूव कर रहा है। 130 का एकदम सीधा सीधा टारगेट निकल के आ रहा है। अगर इसके नीचे नहीं गया तो, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, तो बेस्ट जोन है आपका 130 टारगेट हिट होता दिखेगा। इंटेंसिक वैल्यू सही है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी सही है, डिविडेंड हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं और गुड एंट्री पॉइंट बता रहा है। और RSI देखोगे तो 46 में है और 30 में है आपका RSI और MFI 40 में है। ASM GSM लिस्ट में नहीं है दोस्तों। 78% एक्सपर्ट अभी भी बाइंग की राय दे रहा है स्टॉक में। पी देख सकते हो कि कितना 1/4 हो गया है सेक्टर पी के कंपेयर में, तो बेस्ट स्टॉक है दोस्तों। ये रसिया यूक्रेन के टसल में हुआ है दोस्तों। इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलेगा कि एकदम ओवर सोल्ड जोन में आपको इतना बढ़िया मैनेजमेंट और हेल्दी डिविडेंड प्रोवाइड करने वाला स्टॉक मिल रहा है। जैसे कि क्या करता है, रिफाइनिंग बिजनेस इसका मेन है। सेगमेंट बेसिस पे देखो 0.22 लाख करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ था, जो पिछले साल को हुआ है, 2020 को हुआ नहीं था। लो प्लस वाटर होल्डिंग है। और किस लिए हुआ था, क्योंकि लॉकडाउन था, लॉकडाउन ओपन हुआ था, अभी लॉकडाउन ओपन हो रहा है तो ये ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो और ज़्यादा आपका डिमांड बढ़ेगा। जैसे कि रसिया से नहीं ले रहा है, तो ये निफ्टी से हट गया दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।